नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार का भविष्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के साथ उज्जवल है और वो भाजपा में शामिल नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें कि मीडिया को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि एनसीपी नेता अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी चीजें करेंगे और उनके साथ जाएंगे यानी कि बीजेपी के साथ जाएंगे। उन्होंने कहा कि एनसीपी के साथ अजीत पवार का राजनीतिक भविष्य उज्जवल है और इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है, वो उनके साथ नहीं आएंगे और भाजपा के गुलाम नहीं बनेंगे, हमें एनसीपी नेता अजीत पवार पर पूरा भरोसा है। संजय राउत ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में अजीत पवार और नाना पटोले से चर्चा की कि 16 मई को हमारी नागपुर में एक रैली है और उस रैली से पहले हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि राकांपा सुप्रीमो शरद पवार अभिभावक हैं और हम उनके साथ हैं। कल मैंने और उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से कई मुद्दों पर चर्चा की थी। हमारा संबंध फेविकोल जैसा है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में हम एक साथ हैं। मैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के कांग्रेस राहुल गांधी और खड़गे से मिलने के कदम का स्वागत करता हूँ, ये एकजुटता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, सभी विपक्ष एक साथ आएंगे और लड़ेंगे। और वहीं मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज गुजरात के सूरत सत्र न्यायालय में सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने आपको बता दें कि याचिका दायर कर सजा पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने इसी 3 अप्रैल को सूरत की अदालत पहुंचकर अपील दायर की थी। अदालत ने राहुल को जमानत देते हुए सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। राहुल के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी थे। तो वहीं बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया है। उन्होंने सूरत की एक अदालत में कहा कि कांग्रेस नेता बार बार इस तरह का अपराध करते हैं, उन्हें अपमानजनक बयान देने की आदत है। पूर्णेश ने आगे कहा कि अपील दायर करने के लिए राहुल गांधी जिस ढंग से पेश हुए वो उनके अहंकार और अदालत पर दबाव बनाने की मनोदशा को दर्शाता है। बता दें कि सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल के खिलाफ 2019 में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया था। राहुल को सजा सुनाए जाने के बाद वायनाड से उनकी लोकसभा की उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुख अगली जानकारी का करेंगे। बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। मांझी की शाह से मुलाकात ऐसे वक्त पर होने जा रही है जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार खुद दिल्ली दौरे पर हैं। नीतीश 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात महोबा की करेंगे। महोबा में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते विद्युत पोल में उतरे करंट की चपेट में आकर 11 साल की मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं बचाने पहुंचे चचेरे भाई और इसी के साथ ही ताऊ गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरखारी में भर्ती कराया गया है। 3 बच्चों में सबसे छोटे मासूम की मौत होने से परिवार में मातम छाया हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चाचा का लड़का वहां खेल रहा था, मेरे दरवाजे के जस्ट बगल पे लाइट का पोल लगा है जी। उसमें एक सपोर्टर लगा है, तो उसमें खेलते खेलते लड़का ने जाके वो सपोर्टर पकड़ लिया, तो उसमें आ रहा था करंट, करंट की वजह से लड़का को करंट लग गया। तो उसको बचाने गए मेरे पिताजी, तो पिताजी को भी करंट लगा। इसके बाद मेरा छोटा भाई, वो भी गूंगा है, विकलांग है, वो भी बचाने गया तो उसको भी करंट लगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात सहारनपुर की करेंगे। सहारनपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने पति की प्रताड़ना से दुखी होकर अपनी ही चुन्नी से पति का गला घोट दिया, जिससे कि पति की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला जनपद सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को थाना क्षेत्र के ही एक गाँव में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने गहनता से जाँच की तो पुलिस का शक मृतक की पत्नी पर हुआ, जिसके बाद शक के आधार पर पत्नी से पूछताछ की गई तो मामला साफ हो गया। पत्नी का कहना है कि वो अपने पति के द्वारा नशा करने और उसके साथ मारपीट करने से परेशान थी, उसके बाद उसने ये कदम उठा लिया। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हत्यारोपी पत्नी अपने पति द्वारा मारपीट, नशा और चोरी करने के मामलों से परेशान थी। मृतक दो बार जेल भी जा चुका है, लेकिन वो आए दिन हत्यारोपी पत्नी के साथ मारपीट करता था। पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कल दोपहर करीब 1:30 बजे दोपहर को सुल्तानपुर देहात थाना क्षेत्र तिलकाना से एक खबर आई थी, एक सूचना मिली थी पुलिस को कि एक डेड बॉडी है जो घर में रखी हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में रखी हुई है। जब पुलिस वहां पर तुरंत पहुंची तो उसको सतपाल नामक वो युवक था जिसकी डेड बॉडी थी। घर वालों से पूछताछ हुई और जो आखिरी रात उसके साथ कौन कौन था उनसे पूछताछ हुई तो बात ये निकल के आई थी कि उसकी जो उसकी खुद की पत्नी थी जिनका नाम रामवती है, उन्हीं के द्वारा इसका मर्डर कर दिया गया है। रात को चुन्नी से गला घोट के मर्डर कर दिया था। जब उनसे पूछताछ पे इसका कारण पूछा गया तो बताया गया कि ये सतपाल द्वारा काफ़ी नशा किया जाता था, शराब पी जाती थी, उसके बाद इसे मारपीट की जाती थी, जिससे तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया। और वहीं हरदोई में सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई। तेज रफ्तार डॉक्टर की कार ने उल्टी दिशा में जाकर साइकिल सवार को रौंद दिया। हादसे के बाद मौके पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई। हादसा लखनऊ हरदोई मार्ग पर कछौना कोतवाली क्षेत्र के मथुआ के पास हुआ। मृतक साइकिल से कछौना से वापस घर लौट रहा था। और वहीं झांसी में गैंगस्टर एक्ट के मामले में जिला प्रशासन की कस्टडी में मकान और जमीन पर चोरी और कब्जा होने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायती पत्र दिया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी निवासी राणा बेगम पत्नी कदीर खान ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देते हुए बताया कि पंचवटी कॉलोनी स्थित उसके मकान और डडियापुरा में पड़ी हुई उनकी पति के नाम की जमीन को 6 महीने पहले पुलिस और जिला प्रशासन ने गैंगस्टर की कार्रवाई में कुर्क करते हुए सील कर दिया था। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से उनके मकान का ताला तोड़कर अंदर रखे सामान को चोरी किया जा रहा है। इसकी शिकायत पूर्व में भी पुलिस से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। घर 9 महीने से सीज है, 10वां महीना चल रहा है और सीज मकान में किसी ने चोरी की है, ताले तोड़े हैं। तकरीबन 8 बजे मेरा चौकीदार वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि चैन टूटी है, अंधेरा था, बाकी सारे इलाके में लाइट आ रही थी, वहाँ लाइट नहीं थी, तो उसने टॉर्च की रोशनी से देखा तो ताले टूटे हुए थे। तो उसी की जानकारी देने में यहाँ कलेक्ट्रेट में आई हूँ कि मेरे आपका मकान कब से क्या है। मेरा मकान 9 महीने से सीज है, गैंगस्टर की कार्रवाई में घर को सीज कर दिया गया था, तब से बहुत परेशान है, लेकिन चौकीदार बिठाया हुआ है तब भी वहाँ चोरी हो गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात झांसी की करेंगे। जानकारी के मुताबिक मऊरानी पर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले रानीपुर निवासी एवं ग्राम बड़ागांव निवासी व्यक्ति द्वारा कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर में तैनात एक कर्मचारी की तरफ से उन्हें स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया गया, जिसके चलते धीरे धीरे कई लाख रुपये व्यक्ति के द्वारा उनसे ले लिए गए, लेकिन आज तक न नौकरी लगी और न ही रुपये वापस किए गए। तो वहीं पीड़ित व्यक्तियों ने कोतवाली पुलिस से मामले में जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। जो सरकारी अस्पताल में संजीव वर्मा हैं, जो इन्होंने मेरी मैसेज को आशा की नौकरी का झांसा दे करके मुझसे कहा, तो मैंने डॉक्यूमेंट 30,000 रुपये स्टार्टिंग में दिए। इसके बाद फिर पैसे देने के बाद इन्होंने एक फर्जी लिस्ट दी मुझे, फोन में है मेरी, वो फर्जी लिस्ट दिखाई, बोले कि देखो ये आशा का हो गया, तो बोले कि एक बाटवाय की जगह है उसमें आप करवा लो। तो मैंने बाटवाय के लिए कहा, तो बोले इसके लिए तुम पैसे दो कागजों के साथ, तो मैंने कागजों के साथ पैसे दिए इनको 50,000, फिर 50,000 दिए, तो बोले अब जी कार्रवाई होना है, वो होना है, इन्हें 10 कभी 20 कभी 30 कभी 10
लगभग आप कितने पैसे दे चुके? 2,75,000 सही मेरे पैसे पहुँच। समस्या ये है कि जो भी हमारे ये भाई लोग खड़े हुए हैं और हमारे बड़े भैया, हाँ, तो जो संजीव वर्मा है सरकारी अस्पताल में, हाँ, डॉक्टर हैं, हाँ, तो उन्होंने हम लोगों को झांसा दिया कि, हाँ, सरकारी नौकरी में बाट बाय पर, हाँ, और जो भी इन लोगों की पत्नी है, हाँ, उनको आशा पद पर सरकारी, हाँ, नौकरी दिलाएंगे। हाँ, सबसे इन्होंने कभी 10 कभी 20 कभी 50,000 रुपए लिया है, हुँ, और टोटल मिलाकर 2.5-3 लाख पहुंच चुका है। अच्छा, 5 लाख में इन लोगों ने ठेका लिया था, हुँ, और इसमें जो 3 लोग हैं अशफाक और समीम और ये संजीव वर्मा। अच्छा अच्छा, और अब 2 साल हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है ना कहीं कोई नौकरी का वो है। और वहीं हरदोई के अतरौली थाना इलाके में 1.5 वर्षीय मासूम बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने मृतक की बुआ के ऊपर हत्या किए जाने की आशंका जताई है। सूचना पर एसपी एएसपी सीओ मौके पर पहुंचे। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट तहरीर के आधार पर कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है। यही जानकारी में आया है कि दिन में बच्चा अपनी बुआ के साथ घर में था और उसको अचेत अवस्था में पाया गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। घर वालों द्वारा बुआ पर ही शंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा तहरीर ले ली गई है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई है और जैसा भी निकल के आएगा पोस्टमार्टम से तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जहाँ एक तरफ चंद लोग नफरतों की दीवार खड़ी कर अमन चैन और भाईचारे में खाई खोदने की फिराक में रहते हैं, तो वहीं देश में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो नफरत की हवाओं को मोड़कर अमन का पैगाम पहुंचाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला यूपी के संत कबीर नगर जिले में देखने को मिला है, जब मुस्लिम समाज से जुड़े रोजेदारों के कंधे पर शंकर बाबा की अंतिम यात्रा निकली। आपको बता दें कि जिसे देखकर हर कोई यही कह रहा है कि लाख नफरतों की दीवार खड़ी करता रहे चाहे कोई भी, लेकिन ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो नफरत की दीवार गिराने में ऐसे ही लगे रहते हैं। आपको बता दें कि तस्वीर है यूपी के संत कबीर नगर जिले की, जहां पर खलीलाबाद शहर की, जहां शंकर बाबा नाम के एक व्यक्ति जो कि मूलतः उड़ीसा के रहने वाले बताए जाते हैं, जो करीब 40 साल पहले खलीलाबाद शहर में पहुंचे और यहीं राजू चाय वाले की दुकान पर उन्होंने अपना आशियाना बना लिया। बताया जाता है कि शंकर बाबा की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन शंकर बाबा ईमानदारी की मिसाल थे। राजू चाय वाले और स्थानीय लोगों की माने तो शंकर बाबा बगैर किसी लालच के हर किसी का काम कर दिया करते थे। अगर उनसे कोई व्यक्ति पैसा देकर कुछ भी सामान मांगता था तो बचा हुआ पूरा पैसा उन्हें वापस लौटा देते थे और बदले में कुछ भी नहीं लेते। वो भीख नहीं मांगते, वो खाना भी नहीं मांगते, उन्हें जो कुछ भी खाने के लिए मिल जाता उसे खाकर वही राजू चाय वाले की दुकान पर सो जाया करते थे। शंकर बाबा के आगे पीछे कोई नहीं था। शंकर बाबा कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, जिनका आज सुबह तड़के देहांत हो गया। अब सवाल खड़ा हुआ कि शंकर बाबा के आगे पीछे कोई नहीं था तो इनका अंतिम संस्कार कैसे होगा? लेकिन राजू चाय वाले के साथ ही स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू रीति रिवाज से शंकर बाबा की अंतिम यात्रा निकाली। उन्हें कंधा देकर अजगैबा घाट ले जाया गया, जहां पर उन्हें दफनाकर अंतिम संस्कार किया गया। राजू चाय वाले की माने तो शंकर बाबा की आखिरी इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनको मिट्टी में ही दफनाया जाए और ऐसा ही हुआ। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे रीति रिवाज से मुस्लिम समाज के लोगों ने शंकर बाबा की अंतिम यात्रा निकाली और अपने कंधों पर लेकर अजगैबा घाट पहुंचे, जहां शंकर बाबा का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब फतेहपुर की करेंगे। फतेहपुर में एक महिला को नौकरी का झांसा देकर एक युवक ने अपने गेस्ट हाउस में बुलाकर नशीली चाय पिलाकर बेहोश होने पर रेप किया और महिला का अश्लील वीडियो भी बनाया, फिर महिला को वीडियो दिखाकर 3 लाख की मांग रखी। यह आरोप लगाते हुए महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला की रहने वाली महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि शहर के रहने वाले एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई थी और उसने अपना ऑफिस दिखाया और नौकरी का झांसा देकर 13 फरवरी 2023 को दोपहर में शहर स्थित अपने गेस्ट हाउस में बुलाया, जहाँ पहले से गेस्ट हाउस में काम करने वाला एक युवक मौजूद था। वहां पर मुझे चाय पीने को दी गई, इसके बाद चाय पीते ही वो बेहोश हो गई तो युवक ने मेरे साथ दुष्कर्म किया और मेरा अश्लील वीडियो भी बना लिया। उसके कुछ दिन बाद 25 फरवरी को फिर फोन कर मुझे गेस्ट हाउस पर बुलाया और अश्लील वीडियो दिखाकर जबरन दुष्कर्म किया और 3 लाख रुपए की मांग रखी। पीड़ित महिला ने आरोप लगाकर
ये कहा है कि रुपए ना देने पर मेरे ससुराल वालों के पास अश्लील वीडियो खींचकर बदनाम करने की भी उसने धमकी दी है। तो बुलाया, बुलाने के बाद में इन्होंने मेरे साथ मुझे कहा कि चाय पी लीजिए। मैंने कहा मैं सर मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं नहीं पीऊँगी। फिर भी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि आप चाय पीजिए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, तो मैंने पी लिया। पीने के बाद मुझे चक्कर आ गया, चक्कर आके मैं गिर पड़ी। उसके बाद में सर इन्होंने मेरे साथ जो भी कुछ किया मुझे होश ही नहीं था। उसके बाद सर जब मुझे होश आया मैं उठी, मैं उठ के फिर घर गई। और घर जाने के बाद में फिर इनका फ़ोन आया। फिर फ़ोन आने के बाद फिर इन्होंने हमको धमकाया, डरवाया, हमसे कहते हैं मैं जान से मार दूंगा, जान से मारने की धमकी भी दी इन्होंने हमको। और भाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लैंड जिहाद को लेकर उठाए गए कदम को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने धामी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। धामी के इस फैसले से एक तरफ साधु संतों ने जोरदार उनका स्वागत किया इस फैसले का, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां इस फैसले को उत्तराखंड की कौमी एकता के गुलदस्ते को खत्म करने की बात कह रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने SDM कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा। धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उन्होंने मजार तोड़ने के आदेशों को वापस लेने की मांग की। जिलाध्यक्ष लेखराज गौतम ने बताया कि उत्तराखंड गंगा जमुना की तहजीब है, यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को यह आदेश वापस लेना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री द्वारा यह आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। उत्तराखंड सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उत्तराखंड में जो मजार बनी हुई है उन मजारों को तोड़ने के संबंध में जो एक स्टेटमेंट आया था अखबार में, वो हमने भी और सभी उत्तराखंड वासियों ने पढ़ा है। हम उत्तराखंड सरकार से ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ सभी संत महापुरुषों ने जन्म लिया है, यहीं से गंगा बहती है, जमुना भी यहीं से निकलती है। यहाँ पर जो भी हर धर्म के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी धर्म के लोगों का मान सम्मान रखना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री ने जो अपना ये आदेश दिया है इसको वापसी लेना चाहिए। और जो उत्तराखंड ये आदेश वापसी नहीं लेती है तो बहुजन समाज पार्टी रोड़ों को उतरकर धरना प्रदर्शन की मांग करेगी और इसको शासनादेश को वापसी कराने की। वही खबर उत्तरकाशी से है जहां संगम चट्टी मार्ग पर फॉरेस्ट विभाग का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में 3 लोग सवार थे जिनमें वन क्षेत्र अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य 2 घायलों को हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया है। नहीं, उसमें हमारे संगम में 3 लोग थे कि गाड़ी में सवार थे, फॉरेस्ट की गाड़ी थी, तो एक तो हमारे पास जो है बॉडी आ गई है तो एक्सपायर हो गए हैं। तो सुनक अब 2 हमारे पास घायल आए थे जिनमें से एक घायल तो पूर्ण रूप से मतलब जो है स्टेबल है और उसको कोई फ्रैक्चर नहीं आया है, हेड उसका CT भी ठीक है, लेकिन दूसरे वाले के चेस्ट में इंजरी थी और शोल्डर में उसको इंजरी थी, तो उसको हमने हॉस्पिटल के मदद से उसको हायर सेंटर में रेफर कर। वहीं देहरादून जिले के भानियावाला में चल रही श्री कृष्ण धाम गौशाला में भरपेट चारा और पर्याप्त भोजन पानी न मिलने की वजह से गौशाला में गायों की मौतें हो रही हैं। गौशाला संचालक के बताए अनुसार पिछले 3 दिनों में 6 से 7 गायों की मौत हो चुकी है। इन गायों को ऋषिकेश नगर निगम और मुनिकिरेती नगर पालिका क्षेत्रों से लाकर मात्र 80 रुपए आजीवन खर्चे में इस गौशाला में छोड़ दिया जाता है, जिस पर गौशाला प्रबंधक का कहना है कि उनसे मार्च तक का अनुबंध किया गया था जो कि समय अवधि अब समाप्त हो चुके हैं। तकरीबन 2 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि नगर निगम और पालिकाओं में शेष है, जिस वजह से आज स्थिति ये हो चुकी है कि बजट के अभाव में पर्याप्त चारा पानी और औषधि आदि की व्यवस्था ना होने से गायों की मौतें होना शुरू हो चुकी हैं, जिस पर हिंदूवादी दलों का कहना है कि प्रदेश सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, जो अत्यंत गंभीर विषय है। सरकार को जल्द ही समस्या का समाधान करके गायों को बचाना चाहिए। लगभग 2 करोड़ रुपए मेरा हो गया है और पैसा मिलना तो दूर की बात है। नगर पालिका मुनि की रेती के अध्यक्ष महोदय का कहना है कि मैं एक गाय के जीवन भर के 80 रुपए दूंगा। मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि मैं 80 रुपए में गाय को पालने के लिए लेके आया हूं या उनकी गोकसी के लिए लेके आया हूं। इससे साफ ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के नेता सिर्फ गाय की गोकसी करवा रहे हैं, गो रक्षा के नाम पे गाय का कटान का काम कर रहे हैं और 80 रुपए के नाम पे गाय मुझे दे रहे हैं। यहाँ पे गाय आएंगी, चारे भोजन से वंचित रहेंगी, भूख से मरेंगी, उनका शहर साफ हो जाएगा।
कल मेरे पास एक वीडियो वायरल हुई थी यहाँ से, जिसमें 6 या 7 गायें मरी हुई थी। रात 7:45 बजे जब मैं यहाँ चेक करने आया तो यहाँ देखा गायों की स्थिति खराब थी। यहाँ से सिर्फ वाड़ा जिनका है यहाँ पे सारी गायें जीवित थी, लेकिन अभी देख रहे हैं 3-4 गायें मर चुकी हैं। जब इनसे बात संचालन से बात हुई तो उन्होंने कहा नगर निगम जो ऋषिकेश से है, मेरे को यहाँ से कोई सहायता नहीं मिल रही, ना ही चारा मिल रहा है। और वहीं विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं, मगर प्रशासन अभी तक यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप नहीं दे सका है। गढ़वाल कमिश्नर के दौरे के दौरान यह हकीकत खुलकर सामने आ गई। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार BTC परिसर के निकट निर्माणाधीन यात्रा ट्रांजिट कैंप का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने देखा कि अभी भी ट्रांजिट कैंप का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। 15 अप्रैल तक उन्होंने निर्माण कार्य पूरा करने की तारीख निर्धारित की थी और इस तारीख तक निर्माण कार्य पूरा होकर ट्रांजिट कैंप यात्रा प्रशासन के हैंडवर्क होना मुश्किल है। उन्होंने इस धीमी गति से हो रहे निर्माण कार्य पर अपनी नाराजगी जताई। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि 13 अप्रैल को चार धाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर बैठक निर्धारित की गई है, जिसमें चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया जाएगा। जिस भी विभाग की कमी और लापरवाही बैठक के दौरान सामने आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये भी बताया कि यात्रा ट्रांजिट कैंप के निर्माण का कार्य 20 अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है। ट्रांजिट कैंप में 6 बेड का मिनी हॉस्पिटल भी संचालित किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की टीम तैनात रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि 20 अप्रैल के बाद चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी दी जाएगी। और मौके पर SDM सौरभ असवाल ने यह बताया कि पुलिस, राजस्व विभाग और नगर निगम के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाना प्रशासन ने शुरू कर दिया है। जल्दी अभियान को तेज कर यात्रा शुरू होने से पहले अतिक्रमण को हटाने का दावा भी SDM ने किया। और वहीं हरिद्वार पुलिस को आपको बता दें कि नशे के द्वारा खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है। दरअसल रानीपुर कोतवाली पुलिस ने 5 नशा तस्करों को लाखों रुपए की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। स्वतंत्र कुमार सिंह SP सिटी हरिद्वार का गैंग का पर्दाफाश किया है और हरिद्वार SSP अजय सिंह ने पुलिस टीम की पीठ भी थपथपाई है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान को सार्थक बनाने के लिए SSP हरिद्वार अजय सिंह के कड़े दिशा निर्देश पर रानीपुर पुलिस, CIU और इसी के साथ ही ANTF की संयुक्त टीम ने जगेटी आउटर से नशा तस्कर राशिद को 15.34 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। तो वहीं दूसरे मामले में टीम ने सुमन नगर तिराहे से कार से स्मैक की तस्करी करते हुए तस्कर सचिन उर्फ रावण को, उसके 3 साथियों अश्विनी, समीम और इसी के साथ ही कामिल को कुल 51.1 ग्राम स्मैक के साथ धर दबोचा। एक पूरे गैंग का स्मैक का कार्य कर रहे थे, जिसमें हमारी कुछ दिन पहले भी एक अरेस्टिंग हुई थी, उसमें कुछ नाम भी खुले थे और हमारे पास इनकी मॉनिटरिंग SOG से लगातार चल रही थी। SOG की टीम और रानीपुर की टीम लगी हुई थी इस गैंग को पकड़ने में, और पूर्व में जो इनपुट आया था उसके बाद जो SOG द्वारा और रानीपुर टीम के द्वारा मैनुअली भी बहुत कुछ डेवलप किया गया था, तो फिर इसके 5 जो मेंबर्स थे इनको पकड़ने में सफलता मिली है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई मार्ग से मसूरी पोलो ग्राउंड पहुंचे, जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़क मार्ग से होते हुए होटल सवाए पहुंचे, जहां राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑफ मिलेट्स गोष्ठी में शिरकत उन्होंने की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है और लगातार देश के अंदर जो मिलेट्स हैं, यानी कि बाजरा, झंगोरा, कोदा आदि मोटे अनाज हैं, हमारे देश में उत्पादित होता है, उस अन्न का लगातार प्रोत्साहन के साथ साथ लोगों की मार्केट भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि जो गरीब किसान पहले से ही बाजरा, झंगोरा, कोदा आदि मोटे अनाज का उत्पादन करते पाए गए हैं, उनको अब तेजी से प्रोत्साहन मिल रहा है, जिसको लेकर यहाँ 3 दिन का मिलेट्स कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ है और इसमें देश भर से कृषि मंत्री के साथ साथ वैज्ञानिक यहाँ आकर मंथन कर रहे हैं और इस मंथन से जरूर अमृत मिलेगा।
और वहीं पशुपालन विभाग उत्तराखंड द्वारा केंद्र वित्त पोषित योजना ए हेल्प का शुभारंभ किया गया। और इस कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ए हेल्प यानी कि पशु सखी के तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। और राज्य में जानवरों की सुरक्षा, इसी के साथ ही उनको उपलब्ध किए जाने वाले पौष्टिक आहार और जानवरों की स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सचेत किए जाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी पशु सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित 24 पशु सखियों को ई हेल्प किट देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पशु सखियां पशुपालक और सरकार के बीच में समन्वय बनाने का काम करेंगे। इस योजना के धरातल पर उतरने से जो अनेक सुविधाएं और परेशानियां रहती थी उन सभी को आसान करने का माध्यम पशु सखियां बनेंगी। इसके साथ ही पशुपालकों को उत्पादन के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में इसका लाभ भी मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने आगामी चारधाम यात्रा 2023 को सुगमता पूर्वक और सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य के साथ संबंधित अधिकारियों के साथ परिवहन मुख्यालय देहरादून में समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश मौजूदा अधिकारियों को परिवहन मंत्री की तरफ से दिए गए। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए परिवहन मंत्री ने बताया कि इस बार होने वाली यात्रा के लिए परिवहन विभाग पूरी तरीके से तैयार है। यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी मात्रा में बसों का इंतजाम किया जा चुका है। यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना झेलनी पड़े, इसको लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। चार धाम यात्रा के मात्र 10 दिन बचे हैं और विगत वर्षों की भांति इस बार भी अपने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ और जो हमारी मुख्य धारा में परिवहन व्यवसाय को चला रहे रोटेशन समिति के पदाधिकारियों के साथ जेएमओ केएमओ टैक्सी मैक्सी जितने भी यूनियन हैं उनके पदाधिकारियों के साथ हमारी आज संयुक्त बैठक हुई। और वहीं आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में 25 अप्रैल से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा में इस बार यात्री टोकन के जरिए दर्शन कर सकेंगे। यहाँ टोकन व्यवस्था का जिम्मा पर्यटन विभाग को सौंपा गया है, जो एक एक घंटे के स्लॉट में टोकन वितरित करेगा। इसके साथ ही विभाग की ओर से धाम में यात्रियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। इसके अलावा सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पर्यटन मित्र तैनात होंगे, जो यात्रियों की मदद करने के साथ ही उन्हें पंचकेदार की महिमा से भी रूबरू कराएंगे। जिला पर्यटन और इसी के साथ ही साहसिक खेल अधिकारी रुद्रप्रयाग राहुल चौबे ने बताया कि केदारनाथ में भीड़ प्रबंधन के लिए टोकन व्यवस्था की जा रही है। पहले चरण में यहां 5 काउंटर से टोकन दिए जाएंगे और इसके बाद जैसे जैसे यात्रियों की संख्या होगी उसी हिसाब से काउंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी। टोकन धाम पहुंचने वाले यात्रियों का बायोमेट्रिक पंजीकरण भी किया जाएगा, जिससे कि यात्रियों की सही संख्या का आंकड़ा मिलने में मदद मिलेगी। रुद्रप्रयाग से ये जानकारी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।